Hey guys, welcome back. Top upcoming smartphone launch in September 2022. इस वीडियो के अंदर हम फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन, बजट रेंज के स्मार्टफोन और मिड रेंज के स्मार्टफोन के बारे में फुल डिटेल बात करेंगे। बढ़ते हैं इस पहले स्मार्टफोन की ओर, जो कि है iPhone 14 सीरीज के, जो कि 7 सितंबर को लॉन्च होने जा रही है, जिसके अंदर आपको iPhone 14, 14 Max, Pro एंड Pro Max देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर आपको बायोनिक A16 चिप एंड पीछे की आपको ट्रिपल कैमरा से लॉन्च किया। इसकी जो प्राइस रहने वाली गाइस वही 60-70,000 के आसपास हो सकती है, जो लास्ट ईयर 13 की थी गाइस। एंड बढ़ते गाइस नेक्स्ट स्मार्टफोन की ओर, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज के नाम, जिसके अंदर आपको गाइस A23 5G देखो मिल सकता है। अभी कुछ कंफर्म नहीं गाइस, या फिर A04S भी देखने को मिल सकता है गाइस। ये डेफिनेटली कि ए सीरीज के अंदर है, एम सीरीज के अंदर दोनों में से एक स्मार्टफोन जरूर देखो मिलेगा, जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर, 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखो मिल सकता है और 50 MP प्राइमरी कैमरा के साथ। इसकी जो प्राइस होगी गाइस 25,000 के आसपास हो सकती है। बढ़ते गए नेक्स्ट स्मार्टफोन की ओर, जो कि है वीवो गाइस। वीवो का भी काफ़ी टाइम लंबे टाइम से गाइस इसका फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में हम लीक्स और रूमर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर वीवो एक्स फोल्ड एस, जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ जो डिस्प्ले देखो मिलेगा, 8 इंच का डिस्प्ले देखो मिल सकता है अंदर की तरफ, और इसकी जो प्राइस होगी करीब 1 लाख के आसपास हो सकती है। पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरे से इसे लॉन्च कर सकता है एंड 120 फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। अभी कोई कुछ कंफर्म नहीं है कि वीवो अपनी नंबर सीरीज के अंदर भी कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है वीवो V25 के अंदर गाइस। डेफिनेटली ये है कि वीवो सितंबर के अंदर एक स्मार्टफोन जरूर लॉन्च कर सकता है। बढ़ते गाइस नेक्स्ट स्मार्टफोन की, जो कि IQ Neon 7 गाइस। IQ धमाकेदार स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है गाइस। इसके अंदर गाइस IQ Neon 7 8.2 इंच का डिस्प्ले देखो मिल सकता है गाइस। अभी कुछ कंफर्म नहीं, इतना बड़ा डिस्प्ले के साथ से लॉन्च किया जाएगा नहीं किया जाएगा, बट ये है कि IQ Neon 7 जरूर लॉन्च किया सकता है, जिसके अंदर 120 का एक फास्ट रिफ्रेश रेट, इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ, और पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा या फिर ड्यूल कैमरा सेटअप से लॉन्च किया जाएगा। एंड इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर होगा स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 या फिर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1000+ प्रोसेसर से लॉन्च किया सकता है। इसकी जो प्राइस होगी गाइस 40,000 के आसपास की जो प्राइस हो सकती है। बढ़ते गए नेक्स्ट स्मार्टफोन की, जो कि है Xiaomi 12T सीरीज गाइस और Xiaomi 12 Lite है, दोनों में से एक स्मार्टफोन डेफिनेटली लॉन्च होगा। बढ़ते गए पहले T12T सीरीज के अंदर, जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर, पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा से लॉन्च किया सकता है और एक बड़ी बैटरी 5000mAh की एक बड़ी बैटरी से लॉन्च किया सकता है। बढ़ते गए Xiaomi 12T Lite के अंदर गाइस, इसके अंदर आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है और स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर लॉन्च हो सकता है। डेफिनेटली Xiaomi 12T या फिर Xiaomi Lite दोनों में से एक स्मार्टफोन डेफिनेटली सितंबर के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की ओर, जो कि है Motorola X30 Ultra फिर या Moto X30 Pro, दोनों में से डेफिनेटली एक नाम से इसे लॉन्च किया सकता है। 8 सितंबर को इसकी लॉन्च डेट भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। साथ में इसके अंदर एक मिड रेंज का स्मार्टफोन जरूर लॉन्च हो सकता है, Moto X30 Fusion गाइस। दोनों स्मार्टफोन को 8 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते गाइस पहले Motorola X30 Ultra के अंदर आपको 6.2 इंच का AMOLED डिस्प्ले 120 फास्ट रिफ्रेश रेट से लॉन्च किया सकता है। जो प्रोसेसर होगा स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर से लॉन्च किया जाएगा एंड 32 MP सेल्फी कैमरा के साथ और 200 MP का प्राइमरी सेंसर देखो मिल सकता है या फिर 1080 सेंसर देखो मिल सकता है गाइस। एंड जो Motorola X30 गाइस फ्यूजन, इसके अंदर आपको ट्रिपलेट प्लस प्रोसेसर लॉन्च कर सकता है। अब देखते हैं गाइस क्या कुछ सरप्राइज देखो मिल सकता है 8 सितंबर के अंदर। आपको सिर्फ इतना कहें, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। बढ़ते गाइस नेक्स्ट स्मार्टफोन की ओर, जो कि रियलमी गाइस। रियलमी काफ़ी टाइम से शांत बैठा गाइस। रियलमी हर मंथ गाइस 2 या 3 स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, बट अभी कुछ टाइम से शांत बैठा है। अब इसके अंदर गाइस आपको रियलमी GT3 और रियलमी GT Neon 3T दोनों में से एक स्मार्टफोन देखो मिल सकता है, या फिर अपनी नंबर सीरीज रियलमी 10 सीरीज गाइस। रियलमी गाइस GT Neon 3 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर और 6.6 इंच के फुल एचडी प्लस 120 डिस्प्ले के साथ से लॉन्च किया सकता है। अभी कुछ अनाउंसमेंट हो चुका है गाइस, देखते हैं कि सितंबर के अंदर लॉन्च किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। बढ़ते गाइस नेक्स्ट पॉइंट फोर की, जो कि पोको गाइस, पोको M5, जिसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलता है Helio G19 प्रोसेसर से लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक 6nm प्रोसेसर है, जिसके अंदर आपको 6.5 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले मिल सकता है, जो गेमिंग परफॉर्मेंस रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है, एक मीडियम रेंज का स्मार्टफोन कह सकते हो गाइस। बढ़ते गाइस नेक्स्ट स्मार्टफोन की ओर, जो कि है Redmi K50 Ultra गाइस, जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर से लॉन्च कीजिएगा 6.6 या फिर 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले के साथ 120 फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ, एंड इसके अंदर आपको एक बड़ी बैटरी और 120 फास्ट चार्जर के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इसकी जो प्राइस होगी 40,000 के आसपास हो सकती है। जो प्राइमरी सेंसर देखो मिलेगा 108
प्राइमरी सेंसर से लॉन्च किया सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की ओर जो कि है जियो। गाइस जियो अपना 5G फोन लॉन्च कर सकता है गाइस, देखते हैं गाइस सितंबर में लॉन्च करता है फिर अक्टूबर में, जिसके अंदर आपको 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले के साथ और 60 रिफ्रेश रेट के साथ, इसके अंदर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी, 18 वोल्ट का एक नॉर्मल चार्जर के साथ लॉन्च, इसकी जो प्राइस होगी 10 टू 12000 के आसपास हो सकती है गाइस। अब गाइस कुछ ऐसे स्मार्टफोन भी है गाइस अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जैसे माइक्रोमैक्स से लावा आएगा, काफ़ी टाइम से शार्प बैंड है। इसमें इन्फिनिक्स ने तो गाइस सितंबर में अगस्त में लॉन्च कर दिया था गाइस इन्फिनिक्स नॉट 12 प्रो। गाइस आपने अभी तक उसके अनबॉक्सिंग नहीं जाके जरूर देखिए। आई होप ये हमारा वीडियो टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन लॉन्च सितंबर 2020 आपको पसंद आएगा गाइस। पसंद वीडियो को लाइक शेयर गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।